नमस्कार। सर्दियों में मूंगफली का इस्तेमाल बहुत करते हैं, इसको पीनट भी कहते हैं, और इसमें बादाम, काजू, अखरोट जितने ही गुण पाए जाते हैं और बहुत सस्ती होती है। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर आपने मान लीजिए कि 100 ग्राम मूंगफली अगर आपने इस्तेमाल कर ली, तो 1 लीटर दूध के बराबर ताकत आपको मिल जाएगी। जो नॉनवेज नहीं इस्तेमाल करते, उनके लिए सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। 100 ग्राम मूंगफली में उतना ही प्रोटीन होता है जितना 100 ग्राम मीट में प्रोटीन होता है। अब इसके गुणों की चर्चा करते हैं। मूंगफली शुगर कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर वालों के लिए मूंगफली फ़ायदेमंद है। जिनको याददाश्त की दिक्कत है, जो कुछ रख के कहीं भूल जाते हैं, या स्मरण शक्ति कमज़ोर है, कुछ याद करते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, एकाग्रता की कमी है, या ज़्यादा टेंशन ग्रस्त रहते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट के लिए मूंगफली खाना बड़ा फ़ायदेमंद होता है। ये फेफड़ों को भी ताकत देता है। जिनको बार बार खांसी जुकाम हो जाता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मगर एक बात ध्यान रखना, जिनको खांसी जुकाम होया हुआ है, उनको मूंगफली मत देना। जिस टाइम खांसी जुकाम नहीं हो, उस टाइम आप उसको मूंगफली खिलाओ। छिलक समेत नहीं, बिना छिलके के ही मूंगफली देना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। अगर हम इसके बाद कुछ ठंडी चीज़ खाते हैं, तो वो रिएक्शन करती है। मोटापा घटाने में भी मूंगफली ज़्यादा फायदेमंद करती है। जिनको वज़न घटाना है, वो खाना खाने से पहले भुनी हुई मूंगफली का इस्तेमाल करें, और जिनको वज़न बढ़ाना है, वो खाना खाने के बाद मूंगफली का इस्तेमाल करें। जो जिम जाते हैं, उनके लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि ये खाना खाने के बाद जो है, ये पाचन शक्ति बढ़ाता है और खाए हुए भोजन को भी पचा देता है। और जिन्होंने वज़न घटाना है, वो खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें। खाना खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे, उनको भूख कम लगेगी और उनका फैट धीरे धीरे पिघलता चला जाएगा। जिन पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जिनका बीपी काफ़ी हाई रहता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं तब भी हाई मिलता है, जब दवाई खाते हैं तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, छोड़ देते हैं फिर नॉर्मल हो बढ़ जाता है, तो उनके लिए मूंगफली बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। स्किन डिजीज़ में भी इसका तेल फ़ायदेमंद है। जिनको सोराइसिस की बीमारी होती है, जब ख़ारिश करते हैं तो पापड़ी से डैंड्रफ टाइप में पूरे स्किन में, बॉडी में हो जाती है, बालों में ज़्यादातर होती है लोगों को, तो डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, उसे सोराइसिस कहते हैं। सोराइसिस में इसका तेल लगाने और खाने में इस्तेमाल किया जाता है। एक्जिमा भी चमड़ी की बीमारी होती है, उसमें भी इसका तेल लगाया भी जाता है और खाया भी जाता है। जिन पुरुषों का शुक्राणु की कमी हो जाती है, शुक्राणु नील पाए जाते हैं, मूंगफली का इस्तेमाल वो बकरी के दूध के साथ इस्तेमाल करने से उनके नील शुक्राणु धीरे धीरे बनने लग जाते हैं, और शुक्राणु की कमी भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। और अपना हर महीने टेस्ट करवाते रहें, ताकि आपको पता चले कि हाँ, फ़र्क पड़ रहा है। इसके बाद जिन महिलाओं को एग टाइम पे नहीं बनता, या एग टाइम पे नहीं फूटता, या मासिक धर्म टाइम पे नहीं आता, गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी गाय के दूध के साथ, जिस गाय का थोड़े दिन पहले, 5-10 दिन पहले ही बछड़ा या बछड़ी कुछ भी हुआ हो, उस गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करने से, उसके मूंगफली का इस्तेमाल करने से गर्भ धारण शक्ति बढ़ जाती है और जल्दी से जल्दी गर्भ धारण होता है। अब किस पेशेंट को मूंगफली, किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा। किस पेशेंट को हम मना करते हैं, मूंगफली, ये आप मूंगफली मत खाना? जिसको खूनी या बादी बवासीर की बीमारी होती है, उसे हम मना करते हैं, जी मूंगफली मत इस्तेमाल करना। जिनको नाक से, गुदा द्वार से, या मूत्र नली से, मुंह से ब्लड आता है, उनको हम कहते हैं कि जी मूंगफली का इस्तेमाल मत करना। जिनको पेट में गैस, तेजाब ज़्यादा बनती है, उनको कहते हैं कम इस्तेमाल करना मूंगफली का। मूंगफली की तासीर गर्म होती है, और इसको हम कितनी मात्रा में ले सकते हैं,
हम जो एक्सरसाइज करते हैं हैवी एक्सरसाइज, वो पूरे दिन में 50 से 100 ग्राम खा सकते हैं। जो नॉर्मली व्यक्ति हैं जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते या बैठक वाला काम है, वो पूरे दिन में 25 से 50 ग्राम तक मूंगफली खा सकते हैं। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में आपको कुछ और लेके। आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।